हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र में सेव पासवर्ड को आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र में सेव पासवर्ड को आप लोग यहाँ पे कैसे देखेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग यहाँ पे पासवर्ड को भूल जाते हैं, इंस्टाग्राम का हो गया, फेसबुक का हो गया। बट अगर आप लोगों ने उस पासवर्ड को क्रोम में अगर सेव किया रहेगा तो इससे आप लोग दोबारा से लॉगिन कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर की ओर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करिए। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है पासवर्ड मैनेजर पे। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी एप्लीकेशन का पासवर्ड आप लोगों ने सेव किया रहेगा वो सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप लोग यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन का पासवर्ड आप लोग पता करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को आप लोगों को यहाँ पे सिंपली से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पासवर्ड पूछ सकता है अपने फ़ोन का, तो आप लोग पासवर्ड को यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है इसका पासवर्ड रहता है और आप लोग यहाँ पे कौन से ईमेल आईडी से इसको लॉगिन किए हैं वो भी आपको दिख जाता है और ये उसका नीचे में पासवर्ड रहता है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे ये जो व्यू बटन दिख रहा है वहाँ पे आप लोग क्लिक करके इसको जो है व्यू कर सकते हैं, या तो फिर आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप लोग यहाँ पे पासवर्ड को यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।